लिखने के लिए बोला था, मैंने बोला था थोड़ा रिवाइज करके आओ, दैट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, उसमें लास्ट सेक्शन वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी दिया था, वी हैव सीन द फिजिकल एंड ह्यूमन, ये दोनों कॉन्सेप्ट देखा था। इज इट यस और नो? यस यस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था हाउ मेनी इमेजिनरी लाइंस वी हैव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना इमेजिनरी लाइंस है टोटल अर्थ के सरफेस के ऊपर? सिक्स इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, वो सिक्स के सिक्स इमेजिनरी लाइंस को we have plotted on the globe, you six imaginary lines ko globe ke upar plot kar diya tha, theek hai, fine। uske baad next particular part aata hai, the next particular part was about this hemispheres, hemisphere ka part maine aapko bata tha, so what is hemispheres? No. ठीक है, चलेगा, मतलब हेमिस्फीयर का पार्ट अपना हुआ नहीं, पूरा हेमिस्फीयर का पार्ट अपना हुआ नहीं। ओके, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। Okay, screen is visible to everyone, correct? Yes, sir. ठीक है, अभी ये जो पूरा पार्ट है वो पूरा पार्ट हेमिस्फीयर का। अभी मैं एक सिंपल टर्म में बोलने गया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर, हेमिस्फीयर मतलब क्या, मतलब क्या हेमिस्फीयर का मतलब? हाफ ऑफ स्फीयर, मतलब मैं आधा सर्कल बोल सकता हूँ, करेक्ट, बराबर। तो ऐसा कितना हेमिस्फीयर्स है अपने पास? जस्ट टेल मी हाउ मेनी हेमिस्फीयर्स वी हैव। फोर। वी हैव टोटल फोर हेमिस्फीयर्स। फर्स्ट वन नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर। सेकंड वन साउथन हेमिस्फीयर। थर्ड वन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड द फोर्थ वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, फाइन, चलेगा। तो थोड़ा ये पेज जो पूरा दिख रहा है आपको, दो डायग्राम के साथ नीचे एंड में भी एक डायग्राम है, ठीक है, ये पेज को पहला कंटिन्यू करके लिख लो, सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड, आगे प्रोसीड कर लें, जल्दी या फटाफट करना है।
The screen is visible to everyone, correct? Yes, sir. Jaldi likho so that we can proceed ahead. Completed everyone? Yes, sir. Last 2 minutes, jaldi karo.
चलो अभी आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो जस्ट टेल मी, ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो किसने डिवाइड किया है? व्हिच लाइन इज डिवाइड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को किसने डिवाइड किया है? इक्वेटर। इक्वेटर, चलो एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन, ठीक है। चलो इतना पर्टिकुलर पार्ट हुआ। अभी फ्रॉम द मिडल ऑफ द इंडिया व्हिच लाइन इज पासिंग? मिडल इंडिया के मिडल में से कौन सा लाइन पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ इंडिया। अगर समझो किसी ने क्वेश्चन पूछा आगे आप लोगों को बेसिकली कि मुझे बताओ यार ये इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, तो बोलने का सर इंडिया आता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे आता है इंडिया? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पर्टिकुलर क्या आता है? इंडिया आता है, ठीक है। चलो हेमिस्फीयर पेरिकल का पार्ट आपका खत्म हुआ। अभी थोड़ा मैं टेक्स्ट बुक का पीडीएफ शेयर कर लूँ। टेक्स्ट बुक के पीडीएफ को शेयर करने से पहले चलो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। योर चैप्टर नंबर वन इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, जिसके ऊपर आपका चैप्टर नंबर वन। योर चैप्टर नंबर वन इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा मैप के बारे में पढ़ना है, ओके। अभी सपोज किसी ने आपको पूछा, चलो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज द मैप यूज फॉर, मैप किसके लिए यूज होता है, ठीक है, मैप का यूज फॉर व्हाट? तो बोलने का सर मैप का यूज टू शो द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब क्या? नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? नंबर। नंबर, ठीक है। अभी मुझे बताओ इफ आई प्लॉट यशश्री, नम्रता, सुभश्री, वेदांत, निधि, निधि भानुशाली, ऋषिकेश, साहिल, वेदांत सावंत एंड सिद्धि मस्कु, बाकी लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ वीडियोस को स्विच ऑन करने के लिए, ओके, फाइन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल, समझो अभी मुझे मैप निकालना है इंडिया का, इंडिया का मुझे मैप निकालना है, ठीक है। आई हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन का मैप ड्रॉ करना है। कौन सा मैप ड्रॉ करना है? पॉपुलेशन, ठीक है। अभी मुझे बताओ हर एक स्टेट में जो पॉपुलेशन का जो नंबर रहेगा, जो वेरिएबल रहेगा, वो नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट होगा हर एक स्टेट में? डिफरेंट। डिफरेंट होगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब जो वेरिएबल है स्टेट टू स्टेट वो चेंज होता जाएगा, मतलब जो नंबर है वो स्टेट टू स्टेट वो क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा, ठीक है। चलो ये पहला कंडीशन क्लियर। सेकेंड कंडीशन, टेम्परेचर, या चलो टेम्परेचर का मैप निकालना है मुझे इंडिया का। तो टेम्परेचर जो रहेगा ईच एंड एवरी पार्ट में, जो वेरिएबल रहेगा, जो नंबर रहेगा, वो सेम या चेंज? डिफरेंट। 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 डिफरेंट, बराबर, ठीक है। तो वेरिएबल चेंज कैसे हो रहा है? वेरिएबल कौन से पार्ट में आ रहा है? वेरिएबल चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो ये सब पार्ट जो है वो आपको मैप में पड़, ठीक है। चलो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर सिटी, अपने सिटी का एग्जांपल है कल्याण। कल्याण का मुझे मैप, पॉपुलेशन मैप निकालना, क्या निकालना है? पॉपुलेशन मैप, ठीक है। अब तो कल्याण में, कल्याण का अगर मुझे पॉपुलेशन मैप निकालना है तो मुझे, मेरे पास डेटा होना चाहिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये हनुमान नगर में कितना पॉपुलेशन है, सिंहपाड़ा में कितना पॉपुलेशन है, खाटे मनेवली कितना पॉपुलेशन है, तेजगांव नाका कितना पॉपुलेशन है, चक्की नाका कितना पॉपुलेशन है, बराबर। अगर मुझे ये सबका डेटा मिला, अगर मुझे सबका इंफॉर्मेशन मिला, तभी तो ही जाके मैं कल्याण का पॉपुलेशन मैप ड्रॉ कर सकता हूँ, यस और नो? यस। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आई कैन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर मैप? मैं वो मैप ड्रॉ कर पाऊंगा? नो। तो अपने पास ऐसा तीन टाइप का मैप है जो चैप्टर नंबर वन में पढ़ना है। फर्स्ट वन है डॉट मेथड, सेकेंड वन है आइसोप्लेट मेथड, और थर्ड वन है क्लोरोप्लेट मेथड। फर्स्ट वन क्या है? डॉट मेथड, सेकेंड वन आइसोप्लेट मेथड, और थर्ड वन क्लोरोप्लेट मेथड, ठीक है, चलेगा, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले ही तुम लोग को एक बॉक्स रहेगा, एक बॉक्स में पैराग्राफ दिया रहेगा, है वहां पे? यस, ठीक है। पलक, यस,
Palak, just start reading from that paragraph. Paragraph to read karne ke liye start kare. Everyone should be attentive and everyone should be having pencil with them. ठीक है, और नोटबुक को ओपन करके रखना हम लोग. या Palak start. You have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. The main aim of maps is to show the location of a place and distribution of variables. Some maps are prepared with special themes. Such maps are called thematic maps. Through such maps, the distribution of various variables in a region is shown. Distribution of temperature, rainfall, population, etc. is shown on the map according to the data of these variables. These maps are useful to explain the distribution of variables in the region. Such maps easily bring out the pattern of distribution. To draw distributional maps, we need of the variables. Distribution can be shown on the three following ways on the map. ठीक है, चलेगा. अब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ जो Palak ने पढ़ा, इसके अंदर मुझे तीन क्वेश्चन मिलता है. अभी बोला किस तरह थ्री क्वेश्चन क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द मैप. मैप का मेन एम क्या है. ठीक है, द मेन एम ऑफ द मैप इज टू शो द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, पहला आंसर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज थीमेटिक मैप. What is thematic map? ठीक है, अभी thematic map देखो, आप मोबाइल फोन में जब भी थीम चेंज करते हो, तो थीम चेंज करोगे तो पीछे का बैकग्राउंड का वॉलपेपर चेंज होता है, आइकॉन जो होता है आइकॉन का साइज चेंज होता है, डिजाइन अलग होता है. यस और नो? यस. तो वैसे ही अभी वो तीन मैप को देखो, थोड़ा तीन मैप को ऑब्जर्व करो थोड़ा जो दिया है. मुझे बताओ तीनों मैप का जो डिजाइन है, जो थीम है, वो सेम है या डिफरेंट. मुझे निकालना है, मुझे पॉपुलेशन मैप निकालना है, मुझे टेम्परेचर मैप निकालना है, मुझे रेनफॉल का मैप निकालना है. तो जितना भी मैप अगर मुझे निकालना है, वो मैप निकालने से पहले मेरे पास उनका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. यस और नो? Yes. Okay, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ही जाके मैं वो मैप निकाल पाऊंगा. अगर मेरे पास डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं वो पर्टिकुलर मैप को ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, फाइन. इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हो गया आपको. उसके बाद नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी नोटबुक में सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द मैप. व्हाट इज द मेन एम ऑफ द मैप. मैंने आंसर बताया था आपको ऑलरेडी जो टेक्सटबुक में मेंशन है. देखो यहाँ पे दिख रहा है फोर्थ लाइन स्क्रीन के ऊपर. फोर्थ लाइन द मेन एम ऑफ द मैप इज टू शो द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल. Done. What is the meaning of variable? Sir, numbers. Numbers. ठीक है,
numbers will be same or it will be changing from one place to another? It will change. Absolutely correct. ठीक है. First question हो गया. Answer भी लिख दिया आप. ठीक है. Second question लिखो. What is schematic map? What is schematic map? What is schematic map? ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पे लिखा, देखो वेरिएबल्स के बाद some maps are prepared with special themes, such maps are called thematic map. ठीक है, themes के bracket में आप लोग लिखना design. क्या लिखोगे theme के bracket में? Design. Done? Yes. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स? लिखा. सर उसका आंसर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप कितना आपके पास? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. फर्स्ट वन डॉट मेथड, सेकेंड वन आइसोप्लेट मेथड, एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लेट मेथड. एवरीवन, ये तीनों क्वेश्चन हो गया आपका? यस सर. ठीक चलेगा. अभी आगे थोड़ा ध्यान देते. ठीक है, चलो अभी ये तीनों टाइप्स को, ठीक है, ये जो तीनों टाइप्स है, ये तीनों टाइप्स को अभी अपने को बेसिकली एक्सप्लेनेशन पढ़ना है. व्हाट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब तीनों को एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में देखना है, सो दैट वी कैन कंक्लूड कि एक्चुअल में व्हाट आर दिस थ्री टाइप. ठीक है, लेकिन ये तीनों को बाद में मैं आप लोगों को बता ही दूंगा. थोड़ा ये चैप्टर के लास्ट में जाओ, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिखेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉपिक? इज फील्ड विजिट.
देखो दिख रहा है क्या? यस सर. आपको दिख रहा है द नेम ऑफ द टॉपिक इज फील्ड फील्ड विजिट. ठीक है. अभी थोड़ा पहले फील्ड विजिट को देखते. ठीक है, फील्ड विजिट के पर्टिकुलर पार्ट को देखते. लेट मी गो टू ऑन दैट पेज. जब पेज जाएंगे तो वो पर्टिकुलर पार्ट कवर करेंगे. ये तीन टाइप्स का मैप का एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे, डोंट वरी. लेकिन सबसे पहले फील्ड विजिट देखते, व्हाट इज दिस फील्ड विजिट रिगार्डिंग. ठीक है, फाइन. एवरीवन कैन सी दिस स्क्रीन? यस सर. यस सर. रोशन, रोशन क्या बोलते जाता? नाउ एबल टू. नाउ इट इज विजिबल रोशन? यस. ओके फाइन. ठीक है, फील्ड विजिट. आपने 8th स्टैंडर्ड में लास्ट का टॉपिक पढ़ा था फील्ड विजिट. अगर आपको याद रहेगा तो 8th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था, वो टॉपिक का नाम था फील्ड विजिट. ठीक है, चलो आई विल टेल दैट इन सिंपल फॉर्मेट. वो सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ फील्ड विजिट मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड विजिट. देखो सबसे पहले फील्ड विजिट मतलब क्या, विजिटिंग टू अ ज्योग्राफिकल एरिया. द एरिया शुड बी ज्योग्राफिकल. इट शुड बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या तो वो विलेज एरिया होना चाहिए, या तो फैक्ट्री, या तो फिर इंडस्ट्री होना चाहिए, या तो वो कौन सा ऑफिस होना चाहिए. यहाँ पे अगर आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, विजिटिंग टू अ ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, आप लोग खुद से वहाँ पे विजिट करोगे, आप सराउंडिंग क्या जो चीजें हैं वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, और आप खुद से वो पर्टिकुलर एरिया का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे. बराबर, जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करोगे वो उसे नोट डाउन करोगे आप नोटबुक में, और एंड में आप फील्ड रिपोर्ट बनाओगे ये पूरे पर्टिकुलर पार्ट को भी यूज टू से फील्ड विजिट. समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? कि वापस एक्सप्लेन करो, वापस बताओ क्या है. मैं वापस बता रहा हूँ. फील्ड विजिट मतलब क्या, विजिटिंग टू अ ज्योग्राफिकल एरिया. पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में विजिट करोगे, वहां पे विजिट करने के बाद आप खुद से ऑब्जर्वेशन करोगे. ऑब्जर्वेशन मतलब आप खुद से सराउंडिंग्स के चीजों को लिखोगे. बराबर, आप खुद से वो पर्टिकुलर प्लेस का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हुआ है वो आप नोटबुक में मेंटेन करके आप फील्ड रिपोर्ट बनाओगे. तो ये पूरे टर्म्स को वी यूज टू से फील्ड विजिट. समझा कि नहीं समझा? समझा सर. ठीक है, अभी सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल. चलो अभी एग्जांपल लेते. ठीक है, माय फील्ड विजिट इज गोइंग टू अनोन अनोन विलेज. मेरा फील्ड विजिट जो है वो एक एरिया में जा, मतलब एक विलेज में जा रहा है. ठीक है, अब मैं विलेज में जाने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो एक्चुअल में विलेज में रहते हैं, ठीक है फाइन, क्या मैं उनको क्वेश्चन करूंगा? Yes. मैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके बेसिक आप बेसिकली आपके एरिया में, आपके विलेजेस में विच इज द मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप, आपके विलेज में कितना पॉपुलेशन है, आपके विलेज में कितना नंबर्स ऑफ मेल है, कितना नंबर्स ऑफ फीमेल्स है. मतलब ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो उनको पूछूंगा. बराबर है? ठीक है, उनको पूछने के बाद, उनको पूछने के बाद उन लोग मुझे रिवर्ट करेंगे. मतलब उन लोग मुझे रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट देने मतलब उन लोग मुझे आंसर करेंगे, और जो भी उन लोग मुझे आंसर देंगे वो मेरा क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन ना. बराबर, और उन लोग जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे वो मैं नोटबुक में मेंटेन करूंगा. समझा या नहीं समझा? तो इससे आपको बेसिकली क्या पता चलता है, इससे आपको एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच का रिलेशन पता चलता है. ठीक है, समझो आपका फील्ड विजिट गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाने के बाद आप वहाँ पे पूछोगे कि ये इंडस्ट्री को कितना साल हुआ, ये इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करता है एक साल में, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो, आपके आप कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है. तो आप ये क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे? उन लोग रिप्लाई देंगे, उन लोग जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सब इन्फॉर्मेशन आप नोटबुक में कहीं पे तो नोट करके रखोगे. तो इसको अपन पूरा बोलेंगे फील्ड विजिट. लेकिन हमेशा याद रखना आपका फील्ड विजिट कहाँ पे जाना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया में ही जाना चाहिए. सपोज आपका स्कूल आपको एक मूवी देखने के लिए लेके जा रहा है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फील्ड विजिट? नो. मैं घर पे बैठा हूँ, मैं घर पर बैठकर गूगल से मैंने सिंहगढ़ फोर्ट का मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला, तो क्या मैं उसको फील्ड विजिट बोलूंगा? नो.
फील्ड विजिट मतलब एक्चुअल में वो पर्टिकुलर एरिया में जाके, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में जाके खुद जाओगे, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. इज इट क्लियर? यस. तो आपको ये पर्टिकुलर पार्ट आपको समझा, मतलब फील्ड विजिट समझा. फील्ड विजिट से आपको किसका रिलेशनशिप रिलेशन पता चलता है, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. ठीक है, चलो फाइन. अभी मुझे बताओ, आपको मालूम है कि आपका फील्ड विजिट कहाँ पे जाना है, जाने वाला है, तो आप वो जो क्वेश्चनरीज वो आप पहले ही प्रिपेयर करके रखोगे या वहां पे जाके प्रिपेयर करोगे? आप आपको कहाँ पे जाने का है और वहाँ पे पर्पस क्या है वहां पर जाने का, वो भी आपको डिसाइड करना होगा. ठीक है. नाउ द एलिमेंट विच विल बी ऑब्जर्व इन द फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड, स्टडी द लोकेशन मैप एंड द रूट मैप ऑफ द प्लेस टू बी विजिटेड, बिकॉज वो एरिया आपके लिए अननोन है, अननोन एरिया, तो आपको बेसिकली मैप को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. नाउ डिस्टेंस मैप, डिस्टेंस कितना होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए, ट्रांसपोर्ट रूट कौन सा आप कर रहे हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ड्यूरेशन कितना लगेगा, ये सब आप पहले ही प्रिपेयर करके रखोगे या ऑन जर्नी आप प्रिपेयर करोगे? पहले ही प्रिपेयर करके आप रख दोगे. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक हो गया. ठीक है. नाउ विद द हेल्प ऑफ टीचर स्टूडेंट शुड प्रिपेयर ए क्वेश्चनरीज, टीचर के हेल्प से आप क्या करोगे, क्वेश्चनरीज में थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो टीचर. ठीक है. नाउ सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया मतलब आप कौन कौन सा एरिया सिलेक्ट कर सकते हो फील्ड विजिट के लिए, विच एरियाज यू कैन सिलेक्ट फॉर फील्ड विजिट. ठीक है. ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट इज ऑर्गेनाइज फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज, कौन कौन सा एरियाज है देखो, फिजिकल लैंडफॉर्म, फिजिकल मतलब नेचुरल, फिजिकल मतलब क्या, नेचुरल, फिजिकल मतलब नेचुरल. ठीक है, फाइन. नाउ रिवर बैंक, डैम, कोस्टल एरिया, टूरिज्म साइट, ऑफिस, म्यूजियम रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज एक्सेट्रा, मतलब आप ये सब एरियाज पे अगर आपका फील्ड विजिट जा रहा है तो ही वो उसको मैं फील्ड विजिट बोलूंगा. मैंने बोला ना इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कंसेप्ट, ज्योग्राफी से रिलेटेड होना चाहिए, समझा? फाइन. नाउ एलिमेंट्स शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर स्टडीइंग द लोकल कंडीशंस एंड द नेसेसरी परमिशंस हैव टू बी टेक ऑब्टेन. सपोज आपका फील्ड विजिट जा रहा है विलेज में, कहाँ पे जा रहा है विलेज में, तो आपको वहाँ पे ग्राम पंचायत का सबसे पहला परमिशन लेना पड़ेगा या नहीं? परमिशन लेना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. नाउ फॉर अ फील्ड विजिट यू शुड कैरी योर नोटबुक, स्पेसिमेन, क्वेश्चनरीज, पेन, पेंसिल, स्केल, टेप, कंपास, अ बैग फॉर कलेक्टिंग सैंपल, मैप, कैमरा एक्सेट्रा. तो आपको ये सब चीजें आपके साथ कैरी करना है व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर फील्ड विजिट. ठीक है, फाइन. तो नेक्स्ट पार्ट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग फील्ड विजिट, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगे, इसी चीज के ऊपर तो ध्यान रखना पड़ेगा ना. सो व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. फर्स्ट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ आवरसेल्फ्स एंड अदर्स ड्यूरिंग अ फील्ड विजिट. You should obey the instructions given by the teachers. Teachers जो भी instructions देंगे वो आपको obey करना है. ठीक है. You should not go to the unknown remote places alone. आपको कहीं पे भी unknown place पे अकेला जाना नहीं है. During field visit, you should understand the local circumstances by conversing with the local people. You should not ensure that you should not harm आप natural environment को या जो भी natural चीज़ है उसको आप harm करोगे नहीं. आप गार्बेज और लिटर को आप स्प्रेड नहीं करोगे, कचरा वगैरह वहाँ पे नहीं फैलाएंगे. यू शुड ऑलवेज कैरी अ फर्स्ट एड बॉक्स विद यू फॉर द इमरजेंसी सर्कमस्टेंस. आपके पास क्या होना चाहिए बेसिकली, फर्स्ट एड बॉक्स ना यहाँ पे ऐड कर देना जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तक.
कैमरा के आगे कॉमा डाल के फर्स्ट एड बॉक्स ऐड करो, ठीक है फाइन। चलो अब ये रिपोर्ट राइट, देखो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने पूरा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन किया, आपने कुछ कुछ जगहों का फोटोग्राफ लिया, बराबर है ठीक है। तो अभी ये सब आपके पास अवेलेबल है, तो अभी एंड में आपको क्या बनाना पड़ता है, रिपोर्ट क्या बनाना पड़ता है एंड में आपको, रिपोर्ट ठीक है फाइन। चलो रिपोर्ट कैसा बनाते हैं, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट कैसा रहेगा वो एक बार देख लीजिए ठीक है। A field report should be written on the basis of the information obtained after the visit is completed. Okay? Use the following issues to make a report and a photograph wherever necessary. सबसे पहला point report में सबसे पहला point क्या रहेगा? Introduction रहेगा. Introduction मतलब journey कहाँ से start हुआ, कैसे start हुआ, कौन से place पे आप जाने वाले, मतलब एक छोटा सा introduction आप introduction के part में लिखोगे। सेकेंड वन लोकल मैप एंड रूट मैप, जो भी मैप आपने सिलेक्ट किया था, जो भी मैप है वो आप मैप वो मैप आप बेसिकली वहां पे बताओगे ठीक है फाइन। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग फिजियोग्राफी, क्या है थर्ड वाला, फिजियोग्राफी मतलब नेचुरल फीचर, मतलब आपने माउंटेन्स देखा, वैलीज देखा, रिवर्स देखा, आपने क्या क्या देखा, तो आप उस फिजियोग्राफी में ऐड करोगे। उसके बाद क्लाइमेट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो आप जहाँ पे भी फील्ड विजिट आपका जा रहा है वहाँ पे क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या उन्होंने मेजर्स लिया वो आपको लिखना है। लैंड यूटिलाइजेशन, वहाँ पे लैंड को कौन कौन से टर्म्स में यूज किया, इतना कितना लैंड कमर्शियल बेसिस के लिए अवेलेबल है, कितना लैंड रेजिडेंशियल के लिए अवेलेबल है, कितना लैंड कैटल एनिमल्स को अवेलेबल है, तो ये लैंड यूटिलाइजेशन। और लास्ट वन क्या होता है, Conclusion. ये पूरे फील्ड रिपोर्ट से आपको क्या सीखने मिला, आपको यार क्या पढ़ने मिला, इसको मैं बोलूंगा कंक्लूजन ठीक है फाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो नोटबुक में एवरीवन, सबसे पहले वाला क्वेश्चन है What is field visit? What is field visit? लिखा यस सर, ओके फाइन। सेकंड सेकंड क्वेश्चन, विच थिंग्स यू विल बी कैरिंग Which things you will be carrying during your field visit? During your field visit. Done? Sir. Okay. Then third question. Which areas you will select Which areas you will be selecting for field visit?
आप कौन कौन सा एरिया सिलेक्ट करोगे फील्ड विजिट के लिए? तो कौन कौन सा एरिया आप सिलेक्ट करोगे मुझे बताओ। फिजिकल लैंडफॉर्म, रिवर बैंक, डैम, कोस्टल एरिया, टूरिज्म साइट, ऑफिसेस, म्यूजियम्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, विलेजेस, फॉरेस्ट एरिया। मतलब आप फिजिकल लैंडफॉर्म से लेके नीचे एक्सेट्रा तक आप लिखोगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। सेकेंड वाला क्वेश्चन, विच थिंग्स यू विल बी कैरिंग ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट, ये वाला पार्ट, ये वाला पैराग्राफ। इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? एक चीज, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, फाइन। उसके बाद कितना क्वेश्चन हुआ? 3 क्वेश्चन हुआ ना? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, which point should be maintained while preparing a report? लिखा आपने? Yes, sir. कौन कौन सा पॉइंट आप कौन सा पॉइंट आप मेंशन करोगे? इंट्रोडक्शन, लोकेशन मैप एंड रूट मैप, जियोग्राफी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, पोल्यूशन एंड कंक्लूजन। चलो बराबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है फाइन। चलो कितना क्वेश्चन हुआ टोटल? 4 4 क्वेश्चंस हुआ। चारों क्वेश्चंस का फील्ड विजिट, व्हाट इज फील्ड विजिट का आंसर? ये वाला है, ये वाला पैराग्राफ, व्हाट इज फील्ड विजिट। ठीक है फाइन। फुल पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, ये ओनली ये वाला पैराग्राफ। पॉइंट्स में लिखना है बस, 1 2 3 4 पॉइंट्स। ओके, देन व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, what precautions to be taken while going to field trip Done? Yes. So, वो जो पैराग्राफ मैंने अभी सबको एक्सप्लेन किया, दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर पैराग्राफ, वही, दैट और कुछ। ठीक है एवरीवन? यस। चलो कितना क्वेश्चन हुआ टोटल? 5 ओके। इसका बाद में आंसर, ये असाइनमेंट है, मतलब ये होमवर्क है, और इसका आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चेक करूंगा, और पढ़ के भी होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर में, याद रखना। ओके चलेगा। मनीष सर, हेलो मनीष सर, आई एम ऑडिबल?
फाइन चलो एक जस्ट डू वन थिंग स्टार्ट राइटिंग दिस ये लिख लो सबसे पहले व्हाट इज फील्ड ट्रिप आंसर शुड बी इन पॉइंट्स ना 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट में होना चाहिए स्क्रीन विजिबल है ना सबको यस यस चलो फटाफट करो डन सर एक मिनट वो आंसर लिखना बाकी एक मिनट ओके फाइन आंसर कंप्लीट कर लेना वो और जो भी रिमेनिंग और पेंडिंग वाला जो आंसर है वो भी ऐड अप करके क्वेश्चंस पे कंप्लीट करो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर ठीक है मनीष सर हां शिवम सर सर यू कैन एंड दिस अब सेशन एंड कर दो एंड कर दो ना हां ओके मैं एंड कर दूं